22 मई को पाकिस्तान एयरलाइंस का एक फ्लाइट कराची पहुंचने से पहले ही 90 से ऊपर लोगों को लेकर क्रैश हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में सिर्फ 2 लोग बच गए थे, लेकिन तभी से कुछ वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि वो फ्लाइट क्रैश होने से पहले की कुछ लम्हों की वीडियो है। क्विंट की वेबकूफ टीम ने इनमें से 2 दावों की पड़ताल की। एक वीडियो को शेयर कर दावा किया गया कि कराची हादसे से पहले यात्री थर थर कांप रहे थे और दुआ मांग रहे थे। इस वीडियो के साथ दावा किया गया कि ये कराची हादसे से चंद मिनट पहले की वीडियो है, लेकिन हमने वीडियो को गूगल रिवर्स इमेज सर्च में जरा ध्यान से देखा तो पता चला कि विमान दरअसल एतिहाद एयरवेज का है और वीडियो 2016 का है, जिसमें एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस में फंस गया था। कई इंटरनेशनल साइट्स जैसे CNN, गार्डियन, ABC न्यूज ने भी माना है कि वीडियो पुराना है। एक और वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि यात्री एक केबिन जैसी जगह पर बैठे हैं, पूरी जगह हिल रही है और लोग डरे हुए हैं। कई लोगों ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप को अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और ये लिखा कि ये कराची हादसे से चंद सेकंड पहले की वीडियो है, लेकिन ये दावा भी गलत है। वीडियो दरअसल सितंबर 2019 में पाकिस्तान में ही एक बस एक्सीडेंट का है। हमने जब वीडियो की जांच की तो हमें डायलॉग पाकिस्तान नाम की एक वेबसाइट पर हादसे की पूरी जानकारी मिली। साइट पर हादसे से जुड़े और भी वीडियो मिले, जिसमें से एक वीडियो वायरल वीडियो से मैच करता है। कराची का हादसा दुखद था, लेकिन पुराने और झूठे वीडियो से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो असली तस्वीर नहीं दिखाते। अगर आपको भी ऐसी कोई वीडियो मिलता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो सच है या झूठ, तो हमें webcoof@thequin.com पर भेज सकते हैं और हम आपकी मदद करेंगे उसको वेरीफाई करने में। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।